किसी ने गलती की है तो उसे सज़ा दी जाती थी, यहाँ से उसे खड़े करके ढकेल दिया करते थे। दोस्तों ये एक बहुत ही सस्पेंसिव जगह है। फाइनली पहुंच गए हैं किल्यानतूर के पास। बहुत ही खराब रास्ता था भाई। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मैनेजमेंट गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज एक हम व्लॉग शूट करने जा रहे हैं जो कि है किल्यानतूर, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले में ये जो किला है, फोर्ट है, मैं आपको किल्यानतूर की आज विजिट कराऊंगा। अगर आप आ रहे हैं दोस्तों औरंगाबाद से तो ये किल्यानतूर आएगा आपको कम से कम 80 से 90 किलोमीटर। दोस्तों हम जहाँ खड़े हैं ये गांव है नागापुर, और यहाँ से किल्यानतूर 7 किलोमीटर अभी दूर है। अभी थोड़ा ख़राब रास्ता है, यहाँ से अभी हम आगे का जो है सफ़र शुरू करेंगे। दोस्तों हम अभी बहुत थक चुके हैं तो इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं अभी, और फिर जो है आगे का जो सफ़र है वो हम शुरू करेंगे। बहुत ही ख़राब रास्ता है और बाइक पर है हम तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, और रास्ता अभी थोड़ी कल परसों शायद यहाँ बारिश भी हुई है तो बारिश की वजह से रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है, और बहुत थके थके से हमें लग रहा है अभी से ही। अभी कैसा होगा पता नहीं, आगे जाकर तो अभी पूरा किला देखना है, फोर्ट देखना है। तो ये जो मेरा भाई ने क्या किया, क्या पता क्या किया भाई, अरे कुछ नहीं, क्या निकाला, क्या है बता, देखा था अच्छा है, छोटा सा पौधा है शायद वो, अरे क्या निकाला क्या पता यार, शायद कुछ पता तो नहीं। ये जो बंदा है ना, ये इसे बहुत ही लगाव है जंगलों से, तो ये कुछ भी करते रहता है बस। तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर जाते हैं आगे के सफर के लिए। जिस वक्त का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो किला अभी आ चुका है, बस कुछ ही मिनट की दूरी पर है अंतूर किला। तो बहुत ही थके हुए हैं, लेकिन जब हमने अंतूर किला देखा तो हमारी जो थकावट थी वो कहीं ना कहीं कम हुई हमें नज़र आती है। 7 किलोमीटर बहुत ख़राब रास्ते से हम गुजरे हैं, और अंतूर किले पर अगर आप आते हो तो एक बात आपको सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपको खाने के लिए कुछ सामान आपको साथ में लेकर आना है, पानी पीने के लिए भी आपको पानी भी साथ में लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खाने की या तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी छोटी सी है बट बहुत ही बेस्ट है। अगर बारिश आ जाती है और आपके पास अगर कोई छाता वगैरह नहीं है तो आप इस छोटे से छत के नीचे आप बैठ सकते हैं, और अगर आप बहुत ही थके हैं तो यहाँ आप आराम भी कर सकते हैं। अभी बारिश होने के कारण यहाँ पर थोड़ा गीला गीला है सब, तो बहुत ठंडा ठंडा भी लग रहा है। चलिए दोस्तों ये है किल्यानतूर का फर्स्ट गेट, और यहीं से हम एंट्री करने वाले हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे और पूरा जो किला है वो देखेंगे। दोस्तों ये अंतूर किले का सेकंड द्वार है, और अभी हम इस द्वार से प्रवेश करने वाले हैं ऊपर किले पर जाने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा रास्ता बनाया गया था पुराने जमाने में, कि अगर यहाँ से कोई शत्रु आ जाए, यहाँ से अगर कोई शत्रु आता है तो उसे 90 डिग्री में घूमने को टाइम लगेगा, और फिर यहाँ से जो है शत्रु को जल्दी मारा जा सकता था, इसलिए यहाँ से बहुत छोटा मुड़ाव यहाँ से दिया गया है। ये देखिए इस तरह से। इस स्पॉट तक जो है दोस्तों आप बाइक लेकर भी आ सकते हैं, या तो फिर आपके पास अगर है फोर व्हीलर तो वो भी आती है, लेकिन फोर व्हीलर आने के लिए यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ अगर आप लगा देते हो आपकी कार तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर बहुत ही ख़राब रास्ता है। अगर थोड़ी भी अगर बारिश होती है तो रास्ते में पानी आ जाएगा, और कीचड़ की वजह से जो है वो हमारी कार या हमारी बाइक फिर यहाँ से जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है।
दोस्तों यहाँ पर एक तालाब भी है। जब भी इस किले का काम शुरू था तब पानी के लिए इस तालाब की व्यवस्था की थी। दोस्तों ये एक बहुत ही सस्पेंसिव जगह है इस किले अंतूर की, और यहाँ जो ये खंडर है इसके अंदर मैं अभी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं अंदर क्या है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं है अंदर। तो दोस्तों इस खंडर में हम जाने की अभी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कोई आता नहीं होगा शायद, हमारे दोस्त पहले गए हैं। दोस्तों अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह को मुझे पता नहीं कि हिंदी में क्या लफ्ज़ है, लेकिन मुझे मराठी में पता है कि इसे कड़े लोट कहा जाता है। कड़े लोट का मतलब होता है दोस्तों कोई अगर दुश्मन है या तो किसी ने गलती की है तो उसे सज़ा दी जाती थी, यहाँ से उसे खड़े करके ढकेल दिया करते थे। न जाने यहाँ से अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी इसी जगह से, क्योंकि ये पुरानी कहावत है। हम इसके बारे में कोई आपको सत्यता नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने जितना पढ़ा है और जितना लोगों से सुना है तो ये जो जगह है ये कड़े लोट के लिए जगह है। तो दोस्तों यहाँ से जब आदमी नीचे जाता होगा तो बचने की बहुत ही कम शंका है, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी खाई है। तो ये पुराने ज़माने में ये गुनाह करने के बाद ये शिक्षा होती थी। दोस्तों इस किले को जो है पूरा सिक्योरिटी के लिए ये जो वॉल बनाया गया है, आप देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नीचे बहुत बड़ी खाई है, आपको मैं बताता हूँ। और पूरे किले को ये जो सिक्योरिटी है ये बांध लगाया हुआ है। यहाँ बंदर भी बहुत है तो थोड़ा बंदरों से भी बच के रहिए। अब बारिश का मौसम है, शायद बारिश आ जाए, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी ये किला देखना होगा, फोर्ट देखना होगा। और फिर क्योंकि अगर बारिश आ जाए तो रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है और हमारे जो व्हीकल्स है वो भी नहीं जाएंगे। दोस्तों एक बात है, आप अगर किले अंतूर आना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी आना होगा। अगर आप लेट आते हो तो आपको किले अंतूर पूरा देखने को नहीं मिलेगा। आपने जल्द से जल्द सुबह 10-11 बजे अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ किला पूरा देखने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं और जाने आने के लिए 2-3 घंटे। तो आपने एक करना है, आपको जितना जल्दी आ सके उतना जल्दी सुबह यहाँ आए तो अच्छा है। दोस्तों आप अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाना चाहते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना, तो ये प्लेस आपके लिए बहुत ही सुंदर है, आपने यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों यही हम किले अंतूर का जो है सफ़र ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए हिस्टोरिकल प्लेस पर, तब तक के लिए नमस्कार।